ठीक है, तो ये हमारा साइंस का सेशन है। इसमें फिजिक्स का पहला है पोर्शन, ठीक है। फिजिक्स में मेजर और यूनिट्स हैं, तो मेजर यूनिट्स में जैसे कई कई सारी चीज़ें होती हैं, उनकी यूनिट्स होती हैं, जैसे फोर्स, पावर, प्रेशर, इन सब की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, और ये पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। इसमें पहला है इलेक्ट्रिक, लिखा है फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, इनकी इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है। तो इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, मतलब ऐसे कई सारे हैं जिसमें अलग अलग यूनिट वो चीज़ें लिखी हैं, और उसकी यूनिट जैसे पावर या इलेक्ट्रिक पावर की क्या है, वॉट है, फोर्स की न्यूटन है, वर्क की जूल है, और फ्रीक्वेंसी की इसमें मेजर की जाती है हर्ट्ज में, हर्ट्ज में। और जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की वो ओम मीटर, ओम, ओ एच एम वाला है, ओ एम वाला नहीं है, ठीक है। ओम मीटर रेजिस्टिविटी के लिए है, लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अभी और देखेंगे, डिस्टेंस के लिए दो तीन है, लाइट ईयर भी है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में एक जो लाइट होती है वो कितना दूर ट्रेवल कर लेती है, तो उसको लाइट ईयर कहते हैं। और इसको लाइट को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में सेम होती है एक तरह से, ठीक है, तो इसलिए वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऐसे ही है पार्सेक, पार्सेक, एक पार्सेक का मतलब होता है 3.256 लाइट ईयर। ये भी पार्सेक भी डिस्टेंस के लिए है, जैसे मान लो कि एक लाइट ईयर में नाप लिया, नाप लिया, अब वो बहुत दूर है तो उसको पार्सेक में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस उतनी रहेगी, मेजरमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस नहीं चेंज होगी। फिर अगर कोई मतलब इंच को सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए 0.39 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंच में, ठीक है, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद है कोई बंदा, अब ये तो वैसे मतलब क्वेश्चन था एक तरह से, मेजरमेंट का है ये, कि एक बंदा 6 फीट का है और उसको नैनोमीटर में तुम्हें एक्सप्रेस करना है उसकी हाइट को, तो क्या होगा उसका आंसर। ये शायद 2017 या 18 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली याद नहीं है। 183 × 10^7 nm, नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर होता है वो 10^-9 के बराबर, 10^-9 मीटर, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में जाएगा तो 10^-7। क्यों, ये जो दो जीरो इसमें अंदर दिख रहा है ना, वो सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हो तो वो तुम 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना, नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब नैनोमीटर को मीटर में एक्सप्रेस करोगे तो 10^-9 होगा, और अगर नैनोमीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करोगे तो 10^-7 होगा, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, एम्पियर करंट की यूनिट है। मेगावाट, मेगावाट कब इस्तेमाल किया जाता है, पावर को मेजर करने, कहते हैं ना कि पावर जनरेट हुई इतनी इतनी मेगावाट पावर जनरेट होगी। नॉर्मली जब हम देखते हैं कोई डैम या ऐसा प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें बताते हैं कि इतनी इतनी मेगावाट पावर जनरेट होगी, ठीक है। तो मेगावाट नॉर्मली जो पावर जनरेट होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उसकी यूनिट्स हैं, जैसे एक्सेलरेशन के लिए क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, वर्क डन जूल, इम्पल्स में, इम्पल्स के लिए न्यूटन सेकंड, ठीक है। ऐसे ही और है, कई सारे हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन आते हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर याद है तो ठीक है, सिंपल आसान रहता है कि तुरंत मार दिया आगे निकल गए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, उसमें सिमिलर सिमिलर मिलेंगे और फिर फंस जाओगे। वॉट पावर, मतलब वॉट की, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की है। नॉट जो है स्पीड ऑफ शिप, मतलब नॉटिकल माइल जैसे सुनते हो ना, जो समुद्र में डिस्टेंस नापी जाती है, तो उसके लिए नॉटिकल माइल का इस्तेमाल करते हैं, इसी नीचे लिखा भी है नेविगेशन, ठीक है, नॉटिकल माइल। तो नॉट मतलब स्पीड ऑफ शिप,